गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पीवीआर स्टडी में। मैदान से हारा हुआ इंसान दोबारा से जीत सकता है, मैदान से हारा हुआ इंसान दोबारा से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान दोबारा कभी नहीं जीत सकता है। तो साथियों, मैदान में कभी हार जाना वो ठीक है, लेकिन मन से कभी ना हारना, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो किसी चीज़ से मन से मत हारना कि मुझे नहीं आएगा, मुझसे नहीं होगा, सब कुछ होगा, बस एक बार और कोशिश करना। इन्हीं बातों के साथ शुरू करते हैं आज के दिन की शुरुआत। और आपका ये पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गुणों का प्रयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात कीजिए। सीबीएसई बोर्ड की बुक में लिखा है, इंग्लिश मीडियम के बुक में ये लिखा है, यूज द सूटेबल प्रॉपर्टी एंड फाइंड द प्रोडक्ट, ऐसे कुछ लिखा है ना। मैं बता देता हूँ इंग्लिश में क्या लिखा है। इंग्लिश में लिखा है साथियों, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो सूटेबल प्रॉपर्टीज हम क्या यूज करेंगे वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे एक एग्जांपल देख लो, अगर 102 का गुणा आपको करना है और किस में करना है, 200 में, तो इसको आपको मल्टीपल करने में थोड़ी आसानी नहीं होगी, थोड़ा मुश्किल होगा, कठिनाई होगा, क्योंकि 200 का गुणा 102 में करना है। लेकिन अगर आप सोचो कि आपको 100 का गुणा 200 में करना हो तो कितना इजी है ना, 0 0 उतारना है। अगर आपको 200 का गुणा 10 में करना हो या 2 में करना हो तो कितना आसान हो जाएगा ना। तो बस यही करना है, इसमें आसान बनाना है, ठीक ना। ये आसान है नहीं, इसको आसान बनाना है। तो देख लो कैसे बनाएंगे वो देख लो साथियों। आप 102 में मल्टीपल करोगे थोड़ा आपको लंबा लगेगा, लेकिन यही चीज़ आपके लिए छोटा कर दिया जाएगा। वो ऐसे कि इसको आप 100 - 2 लिख सकते हो और इनटू ये 200। अब 200 का गुणा कर लो 100 में और धन, अब 200 को गुणा कर लो इस 2 में। देखो ये 2 0, ये 2, ये 4 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 बार 0 और धन, ये 200 का दूना ये हो जाएगा 400। ये 20,000 और ये 400 हो जाएगा साथियों। कितना हो जाएगा भाई, 20,400, ठीक ना, 20,400 ये हो जाएगा। तो अब हम इसी बेस पर आधारित इन क्वेश्चन को करेंगे। ध्यान देना और पूरा अच्छे से समझना। और आपसे एक निवेदन होगा कि क्लास को पूरा देखना, बीच में मिस ना करना, भाग के मत जाना। अगर पूरा देखोगे तो सब कुछ समझ में आएगा, हमारी गारंटी होगी। नहीं देखोगे तो फिर भगवान भरोसे हो। चलिए इसमें क्या करोगे मित्रों, 738 है, ये 103 है ना, इसे आप एक काम कर लेगो, क्या करोगे, 103 को आप तोड़ सकते हो ना। चलो ठीक है, 103 को हम क्या करेंगे, 103 को हम तोड़ डालेंगे दो पार्ट में। ओके ठीक है, तो ये 738 इंटू 103 को हम 100 - 3 लिख सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं ना। तो ये हो जाएगा 738, इसका मल्टीपल 100 में करोगे धन, ये 738 इसका मल्टीपल 3 में करोगे, तो ये 738 और ये 20 3 में कर लो, 3 8 24 हासिल 2, 3 3 9 2 11 हासिल 1, 3 7 21 1 22 जोड़ लो सभी को, बस हो गया आपका आंसर। कितना इजी है ना, बहुत आसान है ना, आप करके देखो बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो साथियों जोड़ लो, ये 760 और 14 आ जाएगा, ठीक है, जोड़ना और बताना, 76,014 आ जाएगा, क्योंकि 73,800 पहले से है, 2,214 और जोड़ोगे तो इतना हो जाएगा। इसी तरह से अगले क्वेश्चन में हम चलेंगे, तो ये 854 इंटू ये आपका 100 + 2 हो जाएगा, इक्वल 854 इंटू ये हो जाएगा 100 + 854 इंटू 2, ठीक, क्लियर। ये 854 दो बार गुणा करोगे 20 बढ़ जाएगा, 2 का गुणा कर लो, 2 4 8, 2 5 10 हासिल 1, 2 8 16 1 17, बस जोड़ लो सभी को, लास्ट में जोड़ लो, 8 को 0 में 8, 0 को 0 में जोड़ लो 0, 7 का 4 में जोड़ लो, 7 4 11 हासिल 1, और 1 5 6 और हासिल 1 7, ठीक, और ये 8, 87,108 आ गया, देख लो यही आ रहा है ना, कितना आ गया, 87,108, ठीक है। ओके
आगे चलें फिर हम। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 4, ठीक है, ओके, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, वो बहुत ही इजी सा है, सिंपल सा है, छोटा सा है, प्यारा सा, उसको भी देख लो क्या है, वो आपके सामने ही दिया गया है। चलिए, हाँ, ये 258 है ना, इसको आप 1000 और प्लस 8 कर सकते हो, गुणा कर लो, अलग अलग जोड़ लो, और जोड़ करके लगा के बताना कितना आएगा। अब मैं नहीं बताने वाला हूँ, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लास को पूरा देखना, सब समझ में आएगा। अगर इन्हें आप सिंपल रूल से हल करोगे, वैसे सीधा सीधा ये तोड़ो मरोड़ोगे नहीं ना, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये तरीका अपनाया जाता है, ये रूल होता है। प्रिय छात्र छात्राओं, एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस करके रखिए, बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना, जिससे आपको हमारी सारी अपडेट मिलती रहे। और हाँ, अगर आप पूरा कंप्लीट मैथ सीखना चाहते हैं, वास्तव में आप मैथ सीखना चाहते हैं, आपको नहीं आती है, तो आप डेली क्लास देख सकेंगे तभी जब आप क्लास को ज्वाइन करेंगे। इसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे ज्वाइन 6th NCERT लिख करके भेजें, और हाँ, PVR स्टडी का ऐप प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, उसे इंस्टॉल करें। अगर इतना करते हैं तो आपको पूरी क्लास मिलेगी, अन्यथा आज मिल रही, कल नहीं मिलेगी, परसों मिल रही, फिर नहीं मिलेगी, ऐसे मिलेगी बीच बीच में। चलिए पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनना बहुत गौर से, और क्वेश्चन लिखना शुरू कर दो, कॉपी में अगर लिखोगे तो बहुत अच्छा होगा। चलिए सुनिए, किसी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी गाड़ी की पेट्रोल टंकी में सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल भराया। उसके अगले दिन उसने उसी गाड़ी में 50 लीटर पेट्रोल भराया। यदि पेट्रोल की कीमत 44 रुपये प्रति लीटर थी, तो बताइए उस आदमी ने पेट्रोल पर कुल कितना खर्चा किया। देखो सिंपल सी बात है, पहले एक बार फिर से सुन लो, जैसे आपकी गाड़ी है, आप पेट्रोल भराते हो, अगले दिन फिर भराते हो, तो 2 दिन में कितना खर्चा आता है पेट्रोल का, वही जोड़ना है। कैसे करेंगे? कह रहा कि एक आदमी सोमवार को 40 लीटर पेट्रोल डलाता है, फिर अगले दिन 50 लीटर डलाता है। यदि पेट्रोल का कीमत 44 रुपये थी, तो फिर वो कितना क्या किया, कितना लीटर पेट्रोल जो भराया उसका कितने रुपये आया। ठीक है, चलो लिखे, लिखिए, पहले दिन पेट्रोल पर खर्च उसने कितना भराया था, 40 लीटर भराया था और 44 रुपया में था, है ना? या फिर कह रहा था कि कुल कितना खर्चा हुआ पेट्रोल पर, तो भाई पहले टोटल पेट्रोल निकाल लो, ऐसे नहीं अच्छा है। पहले दिन पेट्रोल भराया कितना, 40 लीटर लिखो। दूसरे दिन पेट्रोल भराया बराबर कितना, 50 लीटर। पेट्रोल की कीमत 44 रुपए थी ना, तो लिखो कुल पेट्रोल ये हो जाएगा 90 लीटर। यानी उसने क्या किया था, 90 लीटर पेट्रोल भराया था। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? अब यहाँ पे देखना क्या होने वाला, वो देखना क्या होने वाला है। ठीक है, ओके, तो ये तो 90 हो गया। अब इसका लगाने का दो तरीका है यार। पहला तरीका ये है, लिखो कुल खर्च बराबर 90 × 44, कर लो 9 × 36, ये जीरो उतार लो, 9 × 36 हासिल 3, 9 × 36 39, यानी 3960 रुपया उसने क्या किया, पेट्रोल पर खर्च किया। ये तो पहला तरीका हो गया, लेकिन हो सकता है आपको ये कम शानदार लग रहा हो, तो एक दूसरा तरीका देख लो, इतना उतार लो फट से, फिर आगे चलते हैं। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका में क्या करोगे साथियों, थोड़ा सा चेंजिंग करना है, और जहाँ तक हम मानते हैं कि इस रूल के अकॉर्डिंग ये दूसरा तरीका ज़्यादा बेहतर होगा। लिखो पहले दिन पेट्रोल भराया बराबर 44 लीटर, पहले दिन खर्च
भाई कितना खर्च हुआ होगा, 40 रुपये में था तो ये इतना रुपया हो गया। अब लिखो सेकेंड दिन पेट्रोल भराया बराबर कितना, 50 लीटर, तो खर्च बराबर 50 × 44। अब नीचे क्या लिखोगे, कुल खर्च बराबर 40 × 44 धन 50 × 44। ठीक है, तो ये आ गया आपका उस रूल में जैसे अभी तक करते आए थे आप। अब इसमें देखो 44 दोनों में है, आप 44 कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा क्या, 40 × 50 है ना, यही बचेगा ना साथियों, यही करना था। इसका आप गुणा कर लो, अलग अलग दोनों को जोड़ लो, तो कर लो 4 × 16 और 4 × 16 = 17 धन, 4 × 16 = 17 50 से कर लो 0, 5 × 20 हासिल, तो 5 × 20 = 22 ओके। फिर से देख लो 5 × 20 हासिल 2, 5 × 20 = 22 ओके। चलिए जोड़ लेते हैं, जोड़ोगे 60 हो जाएगा और 7 में तो जोड़ो 9, 7 में क्या किया, तीसरा अंक था 2 × 9 हो गया, और चौथा अंक जोड़ लो 2 × 1 = 3 वही आया 39-60 रुपया फिर खर्च आया। ज़्यादा कम थोड़ी होगा, रूल बदलने से ज़्यादा हो जाएगा, उतना ही आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया नंबर 5। चलिए 6 नंबर देखना ध्यान से, 6 नंबर क्या कहता है ज़रा सुनना। तो बच्चों छठा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, छठा क्वेश्चन सुनने के बाद हम लोग सातवां क्वेश्चन पे चलेंगे। सातवां क्वेश्चन हमने लिखा है, छठा क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे, उसे हम आपको बोलेंगे, आप ध्यान से सुनो। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि कोई दूध वाला एक होटल को सुबह 32 लीटर दूध देता है और शाम को 68 लीटर दूध देता है। कह रहा कि ये दूध का कीमत 45 रुपये प्रति लीटर है, तो दूध वाले को प्रतिदिन कुल कितनी धनराशि मिलती है। देखो भाई सिंपल सी बात है, दूध बेचने वाला एक दूधिया है, ग्वाला है, कोई भी है, एक होटल में सुबह 32 लीटर एंड शाम को 68 लीटर दूध देता है, यदि दूध 45 रुपये लीटर दे रहा है तो उसे कितनी राशि मिलेगी। सिंपल सी बात है यार, जैसे अभी पहले आपने देखा था इसके पहले पाँचवा वैसे लगेगा। पहले आप लिखोगे दूध वाला सुबह दूध देता है बराबर 32 लीटर, तो नीचे लिखोगे सुबह प्राप्त धनराशि बराबर 32 × 45। फिर अगली लाइन में लिखना दूध वाला शाम को दूध देता है बराबर 68 लीटर, उसके नीचे लिखना शाम को प्राप्त धनराशि बराबर 68 × 45। फिर नीचे लिखना क्या करोगे, नीचे दोनों को जोड़ोगे 45 × 32 + 68 × 45। फिर 45 कॉमन ले लेना, 32 में जब 68 ऐड करोगे तो 100 हो जाएगा, इस तरह से वो 4500 रुपये महीने पाता है। ठीक है, क्लियर बात। चलिए देखो जब क्वेश्चन पूरा क्लियर हो जाता है तो मैं आगे से आपके सामने से थोड़ा सेकंड के लिए हटता हूँ, तो आप उसी देर में लिख लिया करो, ठीक है ना, कहना ना पड़े कि हाँ भाई नोट करो, क्योंकि मैं इस नाचता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ कि सामने आपको दिखे। 7 नंबर कह रहा था कि निम्न को सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए मतलब इसको मैच करवाना है। कैसे साथियों, ये गुणन का क्रम विनिमेयता नियम जो होता है ना, उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में आपको पता है, गुणन का क्रम विनिमेयता नियम जो होता है उसे बोलते हैं कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन ये क्या होता है पता है, ये होता है कि जैसे किसी नंबर को, दो नंबर को गुणा करना है, उसमें आप एक नंबर को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके भी गुणा कर सकते हो, तब भी वही होगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे आप कह सकते हो योग पर गुणन का वितरण। ठीक है, गुणन का क्रम विनिमेयता योग पर गुणन का, ये हो गया पहला। ठीक है, ओके, इसे बना लो ऐसे जल्दी से। हो गया ना, ठीक है, ओके, ओवर एडिशन हो गया। अगला क्या है, दूसरा वाला देखो, कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, दूसरा वाला जो है ना साथियों, गुणन का क्रम विनिमेयता नियम है। क्यों,
देखो चाहे 2 का गुणा 49 में करो, 49 का 50 में करो तब भी वही आएगा, चाहे आप 2 का पहले 50 में कर लो तब 49 में करो तब भी वही आएगा। यानी कि ये क्या है, गुणन का क्रम विनिमेयता है, और योग पर ये जो गुणन का, इसमें से रही सॉरी, इसमें से योग की क्रम विनिमेयता, कहने का मतलब इन नंबर को चाहे उल्टा पकड़ के जोड़ो चाहे सीधा वही आएगा। जैसे इधर देख लो, ये लास्ट वाला समझ लो, योग की क्रम विनिमेयता क्या होती है, जैसे 2 में 3 जोड़ना है तो क्या आएगा, 5 आएगा ना, वैसे अगर 3 में 2 जोड़ोगे ना तब वो 5 आएगा। कहने का मतलब ये है कि क्रम बदलने से इनके मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए योग जो होता है वो क्रम विनिमेयता नियम का पालन करता है। गुणन वाले में देख लो, 2 का गुणा 7 में करोगे 14 आएगा, 7 का अगर 2 में करेंगे तब वो 14 आएगा। इसलिए कहा जाता है कि गुणन का क्रम विनिमेयता नियम ये जो है फॉलो करता है। बात पक्की ना? तो साथियों इस तरह से आपका ये पूरा अभ्यास खत्म हो गया 2.2। चलते चलते आपको बता दें कि अगर आप क्लास को नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज़रूर ज्वाइन कर लें, जिससे आप पूरा फुल कोर्स देख पाएं घर बैठे। अगर आप ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपको पूरा क्लास यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, ये बात याद रखिएगा। इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। तो साथियों मिलेंगे फिर अगली क्लास में 8 बजे से, ज़रूर देखना कक्षा 10 का NCERT मैथ क्रैश कोर्स, सभी के लिए बिल्कुल फ्री, CBSE और UP बोर्ड सब के लिए होगा। इस क्लास को तुरंत लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, मिलते हैं बस थोड़ी ही देर बाद 8 बजे से। और हाँ याद रखना, 7 बजे से BU के लिए स्पेशल एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज आ रही है, सुबह 7 बजे से, उसको भी देख लेना एक बार, देख लेना 7 बजे से। और 7 फरवरी से रीजनिंग शुरू हो रही है, 7 फरवरी से रीजनिंग शुरू हो रही है, उसको भी देखना ज़रूर।